ये तो थोड़ा सा रिस्की हो गया, जाएंगे कैसे, इतना ज़्यादा मुश्किल है। मैं देखो कहाँ पे बैठा हूँ, उस पेड़ पे। तो मैं आपको यहाँ से ढलान एक्सपीरियंस कराना चाहता हूँ कि कितनी ख़तरनाक ढलान है ये। खुद ही ज़्यादा देखो कितनी तेज़ ढलान है, वो 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 हे गाइज एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज जिस जगह पे मैं हूँ आपको देखने में बहुत ही सही लग रहा होगा, एकदम पहाड़ों के बीच में फील दे रहा होगा कि कहीं उत्तराखंड में मैं घूम रहा हूँ या लेह लद्दाख का कोई ये पुल लगता होगा और आपको लग रहा होगा कि वहीं कहीं उत्तराखंड में हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वो जगह है जो मेरी बर्थ प्लेस है, जहाँ मैं बचपन बिताया हूँ अपना, लेकिन अभी तक इस पर कोई वीडियो मैंने नहीं बनाई थी। तो आज हम इस जगह पे आए घूमने, आपको दिखाएँ यहाँ के खूबसूरत नज़ारे, आपको भी पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसी खूबसूरत जगह है जो कि उत्तराखंड में है। तो अभी हम उत्तराखंड से कश्मीर में पहुंच चुके हैं, आपको इतनी सारी भीड़ दिखेंगी यहाँ पे। तो जैसे आप बैकग्राउंड में व्यू देखेंगे इस ब्रिज का, तो ये एक रेलवे ब्रिज है और चारों तरफ आपको सिर्फ पहाड़ी पहाड़ दिखेंगे यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे मतलब अल्टीमेट सिनेमैटिक शॉट्स देखने को मिलेंगे। पीछे आपको देख रहा होगा एक और बोर्ड ब्लॉगर जो कुछ फोटोज और वीडियोस खींचने की कोशिश कर रहा है। तो ये मेरा भाई है, हेलो। तो हम दोनों मिलके यहाँ पे खूब सारी मस्ती करेंगे, आपको भी एंटरटेन करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। मस्त व्यू है। तो आप पीछे पहाड़ देख के और सनसेट का व्यू देख के, अभी बज रहा है शाम के करीबन 4 और क्या खूबसूरत सनसेट का व्यू आप देख रहे हो यहाँ पे। तो इतने सारे पहाड़ आपको उत्तर प्रदेश में देखने को बहुत कम मिलेंगे। अभी हम जहाँ पे हैं वो उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा जिला सोनभद्र, उसमें एक छोटी सी जगह है ओबरा। तो ओबरा में चारों तरफ आप देखोगे तो सिर्फ आपको ऐसे खूबसूरत पहाड़ दिखेंगे। अब आप ये सोचो ये जगह अभी इतनी खूबसूरत है तो बारिश के मौसम में कितनी खूबसूरत होती होगी, तो मॉनसून में ये जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। तो यहाँ पे वीडियो बनाने का मेरा 2 मोटिव था। पहले तो मुझे नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो मैं ऐसी जगहों पे आता रहता हूँ जो बहुत ही सुकून फील देती है। लेकिन दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट मोटिव ये है कि एक छोटी सी प्लेस है, लोग नहीं जानते इसके बारे में, बहुत ही अनटच्ड प्लेस है। अगल बगल देखेंगे तो आपको ज़्यादा लोग भी नहीं दिखेंगे यहाँ पे। तो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। और ये प्लेस मेरी वीडियो से प्रमोट हो तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा, क्योंकि मेरा बर्थ प्लेस यहीं पे, मैंने अपना पूरा बचपन यहाँ पे बिताया है। तो सब कोई अपने जगह के बारे में यूट्यूब पे वीडियोस बनाता रहता है, उसको बताता रहता है, उसको प्रमोट करता रहता है, तो मैं भी क्यों नहीं। तो भाई तुमको पता है इसके बारे में कुछ खास बात? नहीं भाई। तो मैं तुमको एक खास बात बता देना चाहता हूँ, ये जो पहाड़ आप देख रहे हो ना, ये ऐसे वैसे पहाड़ नहीं, ये वाइट मार्बल के पहाड़ है। आप देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेंगे इसके रिमेन्स यहाँ पे, तो आपको दिख रहा होगा वीडियो में एकदम वाइट मार्बल के पहाड़, तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। लेकिन अगर आप ग्रीनरी देखोगे ना तो वो ज़्यादा बेहतर लगती है। तो पहाड़ों की सबसे खास बात ये अच्छी लगती है कि यहाँ पे सनराइज और सनसेट दोनों का व्यू देखने में बहुत ही मस्त फील होता है। तो ये सारे खूबसूरत पहाड़ आपने देख लिया। आप आपको पता है कि पहाड़ जब इतने खूबसूरत होते हैं तो इनके रास्ते भी एकदम एडवेंचरस होते हैं। तो अभी आगे चलेंगे, आपको रोड व्यू दिखाएंगे यहाँ का कि रोड व्यू कैसा है, यहाँ तक पहुँचने में कितना अप्स एंड डाउन्स को आपको कवर करना पड़ेगा। तो वी बोथ आर सेट नाउ, अब हम लोग मज़ा लेंगे यहाँ के रोड व्यू का। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा था ना कि पहाड़ों में कितना ज़्यादा मुश्किल होता है गाड़ी चलाना है। आप यहाँ की रोड्स देखो, एकदम सीधी खड़ी रोड है और उसके बीच में से अगर कोई ऐसा ट्रैक्टर गुजरता हो तब तो पास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैं जल्दी निकलता हूँ तो ट्रैक्टर नज़दीक आ रहा है।
टूट गया तो सामान लेगा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे पास अभी ऑक्सीमीटर होता ना और मैं अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहा होता तो 200% से भी ज़्यादा होता। तो पहाड़ों में रहने की यही खास बात है, इतना प्योर नेचर आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप पीछे देख सकते हो पहाड़ों से होते हुए पानी आ रहा है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए लाइफस्टाइल बहुत डिफिकल्ट है। देखिए मुझे कहाँ बैठना पड़ रहा है, क्योंकि अगर यहाँ नहीं बैठता तो पीछे का व्यू नहीं आता, और व्यू नहीं आता तो वीडियो में मज़ा नहीं आता, और वीडियो में मज़ा नहीं आता तो वीडियो पर लाइक नहीं आते, लाइक नहीं आते तो सब्सक्राइबर नहीं करते। तो लाइक और सब्सक्राइब के लिए क्या क्या करना पड़ता है मेरे भाई, और तुम लोग कुछ भी नहीं करते हो, सब बेकार हो। तो दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा था कितना ज़्यादा मुश्किल है। मैं देखो कहाँ पे बैठा हूँ, उस पेड़ पे, वो पेड़ भी पता नहीं कितनी देर तक टिकेगा, लेकिन यहाँ का व्यू देखिए कितना सही है। तो छोटे छोटे ऐसे वाटरफॉल्स आपको पहाड़ों में देखने को मिल जाते हैं इस मौसम में भी, तो कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर मैं कोशिश कर पाता हूँ किसी तरह वहाँ पे पहुँच पाता तो आपको और अच्छे तरीके से दिखा पाता। तो हम लोग आपके लिए कितना ज़्यादा जोखिम उठाते हैं आपको खुद दिख रहा होगा वीडियो में, इतनी मुश्किलों तक पहुँच के ऐसी ऐसी वीडियो बनाने को तब मौका मिलता है। और सबको लगता है कि YouTube पे वीडियो बनाना बहुत ही आसान बात है, वीडियो ना बनाना आसान है ना वीडियो एडिट करना आसान है, खासकर जब आप ऐसी ऐसी जगहों पर घूम के वीडियो बनाते हो। रोहित भाई, जोश जोश में हाथ हो गया वीडियो बनाने, वापस कैसे आओ? मम्मी आ गया सेफली किसी तरह। बहुत मुश्किल से जाके मैंने आपको वहां से वीडियो दिखा दी जहां पे भी रोहित बैठा हुआ है। अब आपको ऊपर चढ़ के भी एक बार व्यू दिखा देता हूँ यहां से। तो थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो वहां से व्यू ज्यादा बेहतर दिखेगा। तो ट्रैक करने का अलग ही मज़ा है, अगर हम अपने होम टाउन में और ट्रैक करने को मिले। ये तो थोड़ा सा रिस्की हो गया, जाएंगे कैसे, और यहाँ से कुछ दिख तो रहा नहीं है। क्या मस्त चीज़ है यहाँ से, वहाँ से ऊपर से देखो। तो इतना ऊपर आने के बाद अगर कुछ ऐसा सीन देखने को मिल जाए तो दिल एकदम खुश हो जाता है। मेरा तो दिन बन गया और शाम भी बन गई। तो मैं आपको यहाँ से ढलान एक्सपीरियंस कराना चाहता हूँ कि कितनी खतरनाक ढलान है ये। खुद ही ज्यादा देखो कितनी तेज ढलान है। वो बाहुबली का शिव पर्वत गया पानी में, मेरे जैसे रोहित भी जाके फंस चुका है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे से ऊपर से आ जाओ, ऊपर से, इधर से मत चढ़। हाँ चढ़ जा। तो ये सबसे सेफ तरीका आने का। तो फ्रेंड्स, आपने ये वाला व्यू तो एंजॉय कर लिया, अबे उस साइड भी ऐसा ही कुछ वाटरफॉल है। तो हम लोग चल रहे उधर, रोहित तो पहले ही भाग गया, रुका ही नहीं वो तो, और वो वहाँ से चिल्ला रहा है कि जल्दी आओ, वो ज़्यादा बेहतर है। तो हम लोग चल रहे हैं उस साइड। तो ऐसी वीडियोस बनाना बहुत ही कठिन काम है। क्या बॉस, क्या है वो? तेरी बहुत सही जगह, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस वाली लोकेशन पे आपको खूबसूरत वाटरफॉल दिख रहा होगा जिसकी हाइट भी थोड़ी ज़्यादा है। तो अब हमें ऊपर चढ़ना पड़ेगा बस, तब हम वहाँ चलते हैं आपको दिखाते हैं। हट जा भाई बीच में से, तभी तो मैं चढ़ूँगा। आओ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मैं खड़ा कैसे हूँ कहाँ पे इनसे। और पीछे आप देखो वाटरफॉल कितना खूबसूरत, यहाँ पर तो रील्स बनाने लायक है। यहाँ पे ना मिट्टी इतनी ज़्यादा स्लिप कर रही है क्योंकि पानी बहते बहते ये पूरा कट चुका है पहाड़। और देखिए रोहित भी ट्राई कर रहा है मेरे जैसा, खतरनाक मकड़ियाँ उकड़ियाँ भी हैं यहाँ पे। तो रोहित को कुछ फ़ोटोज़ खिंचानी है तो हम लोग पहले फटाफट फोटो खींच लेते। ए लौंडे, वो तो भागते हुए निकल गया। कहाँ कहाँ गंदा हुआ, कुछ हुआ? मम्मी
तो मैं भी आ रहा हूँ। अरे पानी, उतना ही तो है। तो लिटरली बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया आज तो। अब एक जगह और है, वहाँ पे चलते हैं, फिर ये ब्लॉग ख़त्म करेंगे, फिर चलेंगे अपने अपने घर। तो दोनों भाई के शूज़ एकदम गीले हो गए आप लोग के लिए ब्लॉग बनाने के चक्कर में, तो हम लोग चलते हैं अब दूसरी जगह। तो अभी हम लोग आ गए हैं टॉप व्यू पे और यहाँ से फिर आपको व्यू दिखाएंगे। तो ये लास्ट लोकेशन थे हमारे ब्लॉग का, तो अब हमको आपको बैक कैमरे से यहाँ का व्यू दिखाते हैं कि कैसा है। तो अब आपको यहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ नहीं दिखेंगे, बड़ी बड़ी चिमनियाँ दिखेंगे और बड़े बड़े टावर्स दिखेंगे, क्योंकि यह ओपरा का पावर जनरेशन प्लांट है। यहीं से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है और पूरे उत्तर प्रदेश में यहाँ से सर्व किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वाली वीडियो में इतना ही रहेगा, अब हम इस ब्लॉग को ही एंड करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। कमेंट करके बताना हमें वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस और भी चैनल पे आती रहेंगी। तो टिल देन गुड बाय, चलते हैं, दुआओं में याद रखना।